तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जूनियर DPS स्कूल को। अच्छा, तो आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि स्कूल ब्लॉग का क्या करेंगे, तो आप लोगों के लिए है, अगर आप इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में बात करें, साथ ही इस स्कूल की फुल फैसिलिटी, एडमिशन प्रोसेस सभी को डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग बिलासपुर के खमतराई चौक पर है और ये बैमानगोई के लिए जो रोड निकलती है इसी रोड पर है स्कूल। तो लोकेशन हम लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम जब गए थे स्कूल तो हमें बहुत दिक्कत आया था स्कूल ढूंढने में, गूगल मैप पर भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि आपको यहाँ से ही वीडियो शेयर करें। सो आई होप कि जब भी आप इस स्कूल को विजिट करेंगे आपको कोई इशू नहीं होगा कि कहाँ पर है, लोकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं और स्कूल को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज़, बेसिक डिटेल्स, अदर फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आप वहाँ टीचर एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देन आप इस गली में थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर न्यू नटराज स्वीट्स करके है, इसके जस्ट सामने में गली पड़ेगी आपको, राइट साइड में आपको उसी साइड में मुड़ना है। तो हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है और ये जो ग्रीन येलो कलर में बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही DPS जूनियर स्कूल है और ये खमतराई चौक जिधर से हम लोग अभी आए हैं। तो हम अभी स्कूल के पास पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा आउटर व्यू देख लेते हैं कि बाहर से कैसा दिखता है स्कूल। तो स्कूल की डिटेल एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर क्लासरूम की फैसिलिटीज़ वगैरह एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हमें ज़रूर से एक्सप्लोर कर देंगे। तो ये है इसका आउटर व्यू, देन ये है छोटा सा गेट, साइड में एक और गेट है जहाँ कार वगैरह के लिए गेट रखी गई है, और ये मेन गेट है स्टूडेंट्स के लिए, और ये छोटा सा गार्डन है बहुत क्यूट सा, बच्चों के लिए है क्योंकि यहाँ नर्सरी, प्री नर्सरी से 8th तक के ही स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ने को आते हैं और उन्हीं का एडमिशन स्टार्ट है। तो बेसिक डिटेल में है कि ये CBSE स्कूल है, यहाँ प्योर इंग्लिश मीडियम है, सारे टीचर्स भी इंग्लिश मीडियम के हैं एंड स्कूल जो है प्राइवेट है। तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर से का जो लुक है कुछ इस टाइप का है। देन चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ। तो अब देखते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाते हैं तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट रूम है प्ले ग्रुप करके, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज किया गया है। ये बेसिकली बच्चों के लिए थिएटर है, आप देख पा रहे होंगे बैक में जो सीट है ये बिल्कुल थिएटर की तरह यूज किया गया है। यहाँ AC की फैसिलिटीज़ भी है और LED, यहाँ पर LED TV का यूज किया गया है एज अ बोर्ड जिस पर बच्चों को कार्टून्स वगैरह दिखाकर उनको टीचिंग एड को और इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाते हैं और उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो मुझको तो पर्सनली ये छोटा थिएटर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये छोटा थिएटर कैसा लगा। देन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके रिव्यू दीजिएगा कि आपको इस स्कूल की स्टडी एंड फीचर फैसिलिटीज़ कैसी लगी। देन ये सेकेंड रूम है जो कि LKG का क्लास है, यहाँ पर अभी 3 ही स्टूडेंट अवेलेबल है। हाय बच्चे यहाँ के काफ़ी क्यूट है, क्लासरूम को बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है जैसा कि बच्चों को माहौल चाहिए स्टडी के लिए, उनको और इंटरेस्टेड बनाने के लिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है टीचिंग के लिए क्लासरूम्स की वो मुझको काफ़ी अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी लगी। देन नेक्स्ट क्लास है, इस क्लासरूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोर किया गया है और यहाँ की इनटेक कैपेसिटी जो है मैक्सिमम 20 ही रखी जाती है क्योंकि एक टीचर के लिए 20 स्टूडेंट या फिर 15 स्टूडेंट को संभालना काफ़ी है,
उससे ज़्यादा स्टूडेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ की इनटेक कैपेसिटी एक क्लास के लिए मैक्सिमम 20 जो रखी गई है, ये मुझको काफ़ी पसंद आई, ताकि स्टूडेंट पर भी बर्डन ना पड़े और सभी स्टूडेंट को भी टाइम अच्छे से मिल सके। देन चलते हैं नेक्स्ट क्लासेस की तरफ। तो यहाँ क्लासरूम के अलावा अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो गार्डन अवेलेबल है, वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है, साथ में आने जाने के लिए वैन की सुविधा है। देन अभी ये है ऑफिस रूम, ऑफिस रूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोर करके रखे हैं। जस्ट ऑफिस के साइड में ही वॉशरूम की फैसिलिटीज़ दी गई है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा नर्सरी स्कूल विजिट किया था और मुझको ये स्कूल बहुत पसंद आया। इसके टीचर्स भी काफ़ी एक्स्ट्रा केयरिंग है, मैंने देखा छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं लोग प्री नर्सरी के, तो काफ़ी अच्छे से केयर करते हैं, उनको लिखना सिखा रहे हैं, अभी पढ़ना स्पीकिंग थोड़ा थोड़ा सभी सिखा रहे हैं। देन दिस इज़ अनदर क्लास, हाय, आप लोग भी हाय बोल दीजिए। तो अब क्लासरूम विजिटिंग के साथ ही साथ हम यहाँ की एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक्टिविटीज़ में डांसिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सैंड क्राफ्ट, स्पीकिंग, फुटबॉल और छोटे छोटे और बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। इवेंट्स में यहाँ जो इंडियन फेस्टिवल होता है उसके अकॉर्डिंग्स एंड साथ ही में जो नेशनल फेस्टिवल होता है उन सब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी मैम बता रही थी कि होली आने वाला है तो यहाँ फ्लावर्स से कलर बनाकर होली का एक छोटा सा थीम रखा जाता है, साथ में ड्रेस का भी कलर कोडिंग रहता है। तो मे भी अगर हम लोग रहे बिलासपुर में तो ज़रूर से इस पर भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ बच्चों को फ्राइडे एंड सैटरडे को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, लाइक फ्राइडे को पीटी परेड एंड सैटरडे को योगा की क्लासेस ली जाती है। देन अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर भी क्लासेस हैं, कुछ रूम्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना है, तो चलिए चलते हैं। देन बात करते हैं कि बच्चे तो बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उनको स्कूल तक लाने ले जाने के लिए क्या सुविधा या फिर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैम ने बताया है कि यहाँ पर वैन की फैसिलिटी अवेलेबल है जिस पर बच्चों को लाया और ले जाया जाता है पेरेंट्स के घर तक और वहाँ से स्कूल, स्कूल से पेरेंट्स के घर तक। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से आउटर व्यू कुछ इस तरह से है। मुझको तो ये स्कूल काफ़ी पसंद आई, अगर आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, इस स्कूल को फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का क्लासरूम है जिसको भी काफ़ी अच्छे से अट्रैक्टिव बनाया गया है बच्चों के लिए। एक और बात कि यहाँ की जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस में आपको एसी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जिससे बच्चों को टेम्परेचर से रिलेटेड कोई इशू ना हो, तो टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन करके रखा जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम की ओर। तो ये है एक्टिविटी प्लस डांस क्लास, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, लाइक बच्चों को यहीं पर डांस कराया जाता है। और यहाँ की मुझको TLM वाली बातें बहुत अच्छी लगी, सभी क्लासेस में TLM का काफ़ी अच्छे से यूज किया गया है। अच्छा, आप सोच रहे हो TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इट मीन्स कि चार्ट पेपर, कार्टून्स वगैरह बनाकर बच्चों को जो पढ़ाया और सिखाया जाता है। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ की एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट है 2022-23 बैच के लिए, प्री नर्सरी टू 8th क्लास तक आप जब चाहे एडमिशन ले सकते हैं, बट एडमिशन के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म खरीदना पड़ेगा, देन फिलअप करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, प्री नर्सरी टू UKG क्लास तक रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको लगेगा 500, देन एडमिशन फ़ी आपको लगेगा 5000, LKG एंड UKG के लिए 6000 है। एनुअल फीस आपको प्री नर्सरी एंड नर्सरी के लिए लगेगा 3000, सभी क्लासेस के लिए 3000 है। ट्यूशन फ़ी जो कि मंथली रहेगा
प्री नर्सरी के लिए है 15,000, नर्सरी के लिए भी 15,000, एलकेजी के लिए है 20, यूकेजी के लिए है 20,000। देन इसके साथ आपको स्कूल किट मिलता है 5,000 का, प्री नर्सरी एंड नर्सरी के लिए, एलकेजी यूकेजी के लिए भी 5,000 ही है। तो स्कूल किट में आपको स्कूल यूनिफॉर्म, बैग वगैरह सभी मिल जाते हैं जो कि स्कूल में यूज होते हैं। देन है स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए आपको 1,000 लगेगा प्री नर्सरी एंड नर्सरी के लिए। देन एलकेजी एंड यूकेजी के लिए 2,000 है, जिस पर आपको बुक्स एंड अदर स्टेशनरी अवेलेबल कराई जाती है। देन है एक्टिविटी चार्ज जो कि है 3,500 प्री नर्सरी एंड सारे क्लासेस के लिए। तो एक्टिविटीज़ में वही डांसिंग वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट और जितने भी अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती है उसके चार्जेस है। देन टोटल आपको पड़ेगा प्री नर्सरी के लिए 33,000, नर्सरी के लिए 33,000, एलकेजी के लिए 42,000, यूकेजी के लिए 42,000। तो बाकी क्लासेस मींस यूकेजी के बाद फर्स्ट सेकेंड फिर एट्थ तक की क्लासेस की फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैम का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप एक बार कॉल करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। देन है टर्म एंड कंडीशन, फ़ी स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम इन एन अकेडमिक ईयर। तो एक साल के अंदर जो फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है उतना ही रहेगा, और फीस एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं हो सकता। और फी को अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आपको 7 तारीख को हर महीने जमा करना होगा फीस। अभी हमारे पास फी की बस इतनी ही डिटेल थी, बाकी अगर जैसे फर्स्ट से एट्थ क्लास तक की डिटेल हमको मिलती है तो हम ज़रूर से उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो अपलोड करेंगे। देन बात करते हैं अगर आप यहाँ एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड या फिर डीएलएड कंपलसरी है। देन आप इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए, बट अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बेसिकली यहाँ का जो है कम्युनिकेशन वो है इंग्लिश में, तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने चाहिए। तो ये इंटरव्यू बेसिस पर होता है, देन आप हायर कर लिए जाएंगे एज अ टीचर। तो इसके लिए आप अपना रेज्यूम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देन बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी स्टार्टिंग है 4,000। तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपको 4,000 से 6,000 तक मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आप कितने साल बाकी स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, आप चीज़ों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो याद से इसे लाइक एंड के शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय।